गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी लोग हमारा प्लान बन रहा है भाई उमानंदा जाने का। उमानंदा जो उस नदी के बीच में है और उसको हम जो है पिकाक आइलैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे पता करने के लिए भाई कि टिकट का चार्ज वगैरह क्या है और ये जाएगी कि नहीं फेरी। लेकिन ये यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं, हमें दूसरे साइड जाना होगा पता करने के लिए कि उस साइड से बोल रहे लोग कि यहाँ से नहीं जाएगा, दूसरे साइड से हम जा सकते हैं वहाँ से। तो उधर जाएंगे और पता करेंगे। और अभी हम नदी के पास ही हैं और जो आइलैंड है वो नदी के बीचों बीच है, मीन्स नदी के सेंटर में वो आइलैंड है। तो हमारा प्लान वहीं जाने का है आज, और चलते हैं और पता करते हैं भाई टिकट का चार्ज क्या है। और यहाँ से अगर हम इस फेरी में जाते, इस नाव में जाते, बोट में, तो नदी पार कराने का भाई 3 रुपये है। तो ज़्यादा कोई चार्ज नहीं अगर आपको नदी क्रॉस करना हो तो यहाँ से। एक्चुअली मैं नदी क्रॉस करके उस पार जाके क्या फ़ायदा भाई, ये किनारे हैं वो किनारे जाएंगे कोई मतलब तो ज़्यादा निकलेगा नहीं। तो हम जाएंगे उमानंदा, जिसको पिकाक आइलैंड बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, उमानंदा के साइड जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये साइड जो दिख रहा है ना, इधर है उमानंदा और हमारा इधर का ही प्लान है जाने का। और अभी जो हमें बोट लेनी है, फेरी लेनी है, वो इस साइड से लेनी है। यहाँ पर जो नाव खड़ी आपको दिख रही है सब बोट, यहाँ से हमें लेना है। तो वहाँ पर चलते हैं और टिकट का चार्ज एक बार पता कर लेते हैं भाई टिकट का चार्ज क्या है, क्योंकि चार्ज वगैरह जानना ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और उमानंदा जाना चाहते हो, जो पिकाक आइलैंड है जो नदी के बीच में है, तो गुवाहाटी आसाम में, अगर आप यहाँ पर आ जाओगे गुवाहाटी में, देखो ये आसाम में पड़ता है, गुवाहाटी आने के बाद आपको जो है कचहरी घाट करके सर्च करना होगा। कचहरी घाट के लिए आप बस पकड़ सकते हो, सबसे सस्ता में अगर आना हो तो लोकल ट्रांसपोर्ट में बस पकड़ सकते हो, या फिर अगर बजट हो तो ऑटो वगैरह करके भी आप आ सकते हो कचहरी घाट। आने के बाद आप यहाँ पर, आपको यहाँ से वहाँ तक के बीच में कहीं भी आपको उतार देगा इस घाट पर, और यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। तो लेट्स सी भाई, हम लोग चलते हैं पता करते हैं टिकट का चार्ज वगैरह क्या है। फिर यहाँ हमारे सामने जो बोट है यहाँ पर, जैसे कि देख रहे हो, यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि उमानंदा का चार्ज क्या है। और जैसे कि ये आपको आइलैंड एक दिख रहा होगा ना, ये नदी के बीच में है, तो हमें जाना वहीं पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टिकट का भाई चार्ज कितना है। और ये जो है ना, ये जलपरी पॉन्टन भाई, ये फेरी का नाम है। तो हम लोग चलते हैं और भाई नदी में आ गए, नदी के पास, ये देखो। तो चलते हैं थोड़ा आगे, लेट्स सी भाई टिकट का चार्ज वगैरह क्या है पूछ लेते हैं। और टिकट का हमारे बजट के हिसाब से हुआ और बात करेंगे तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट प्लान हमारा बन जाए जाने का। एक्सक्यूज मी सर, ये आइलैंड पे जाने के लिए जो पिकाक आइलैंड है ना उमानंदा, हाँ हाँ, तो कितना चार्ज है टिकट का? 200 रुपया। कम नहीं होगा क्या, कुछ डिस्काउंट होगा? 200 तो कुछ ज़्यादा ही होता है ना अमाउंट, कम नहीं होगा? बाहर चलते हैं भाई, यहाँ पर कई सारी फेरी हैं। तो भाई हम बोट से चलते हैं क्योंकि हमारे लिए अमाउंट लग रहा है कि ज़्यादा है, जिस हिसाब से हम लोग ट्रैवल करते हैं आपको पता है, उस हिसाब से तो सर अमाउंट थोड़ा सा, यहाँ पर एक्चुअली चार्ज यही है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। जाना है तो भाई 200 रुपये पे करना है। ये एक्चुअली 200 जो है ना, जाने का भी है टिकट का और आने का भी है, मीन्स एक साइड का, वन साइड का अगर बोले तो 100 रुपीज़ जाने का है, 100 रुपीज़ आने का है। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं। और भाई लोकल लोगों से भी हम लोग बात किए यहाँ पर, तो देख रहे हो आप पीछे होंगे लोग, तो हम लोग लोकल लोगों से बात किए तो कुछ लोगों ने बोला भाई कि अगर आप यहाँ पर जो सरकारी बोट भी चलती है वहाँ से जाते हो तो 20-40 रुपये के आसपास चार्ज है, उतना ही चार्ज लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो प्लान बन रहा है कि भाई वहाँ पर भी जाकर एक बार पता कर लेते हैं। तो अभी भाई आ गए भाई उजन बाज़ार, जो जहाँ से उमानंदा के लिए जाती है। अभी हम लोग थे दूसरे डेस्टिनेशन पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वो कॉर्नर का साइड है, हम लोग 2 किलोमीटर के आसपास जो है ना पैदल चल के आए। और ये उजन बाज़ार है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो बोल दोगे उजन बाज़ार हनुमान मंदिर, तो ये हनुमान मंदिर, यहाँ पर जस्ट हनुमान मंदिर है। और आ गए हम यहाँ पर और टिकट का चार्ज वगैरह पूछते हैं। और ये वाली जो फेरी है ना, ये जो बोट है, ये बोट जाएगी। तो चलते हैं भाई टिकट का रेट पूछ लेते हैं और यहाँ का देखते हैं चार्ज वगैरह क्या। तो अभी भाई हम लोग आ गए फेरी में और यहाँ पर टिकट का जो है 20 रुपीज़ है पर पर्सन। तो अभी हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और चलते हैं फेरी से भाई। 20 रुपीज़ कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जैसे कि हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ 20 रुपीज़ के आसपास था, बट यहाँ पर 20 रुपीज़ है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो लाइन वगैरह लगी है टिकट काउंटर के लिए, जाएंगे हम लोग। और नदी का बहाव भी ठीक है, नॉर्मल है। चलते हैं ऊपर की साइड और ऊपर से फिर भाई, और हमें जो जाना है ये देखो, ये आगे आइलैंड जो दिख रहा है छोटा सा, आपको यहीं पर जाना है उमानंदा। तो अभी भाई हम दूसरे सीट पर थे, ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम आगे वाले में बैठे थे
आगे वाले में। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, दूसरे सिप है और ये देखो इसके थ्रू जाएंगे यहाँ पर बैठकर। और ये भाई देखो, ये तो भाई सेफ्टी के लिए पूरा पहन लिया है। तो देखते हैं क्या सीन, भाई सेफ्टी पर्पज से अगर पहनना पड़े तो फिर पहन लेंगे। और तो भाई अभी बोट चलना चालू हो गया है और यहाँ पर जो आपको आगे आइलैंड दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे बीच में, तो इसी बीच में भी हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है और ये सेफ्टी पर्पज से भाई दिया है पहनने के लिए, तो ठीक है। सभी लोग यहाँ पर पहने हुए हैं देख लो। और यहाँ पर से हम लोग बैठे हैं, यहाँ देखो ये कॉर्नर साइड से यहाँ से हम बैठे हैं। और अब चलते हैं आगे तक उमांडा, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, देखते हैं किसका मंदिर है भाई। देख सकते हो आप यहाँ पर आ गए भाई हम उमांडा, जो ये आइलैंड है और यहाँ पर मंदिर है। और अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अंदर। तो अभी भाई बोट से हम लोग उतर गए और अच्छा है भाई, अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। एक घंटे का हमारे पास टाइम है और एक घंटे के अंदर देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर लेते हैं गोल्डन। ये रूट कहाँ जाएगा भैया? ये रूट किस चीज़ मंदिर चौक है दोनों। ये मन ये शॉर्ट कट है क्या? लॉन्ग कट है। ये शॉर्ट कट है क्या? हाँ मंदिर जाएगा। और वो दोनों है दोनों। तो हम लोग शॉर्ट कट लेते हैं भाई, इधर से सब जा रहे हैं, हम जाएंगे इधर से शॉर्ट कट, थोड़ा सा घूम के आते हैं और देखते हैं भाई। ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ से कम लोग जा रहे हैं देखो। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आपको आना कैसे और आप कैसे आओगे, एवरीथिंग, कहाँ से कैसे आओगे, गुवाहाटी में अगर आते हो आसाम में तो एवरीथिंग सब कुछ बता दिया है। और वैसे भाई देखो यहाँ से नदी जो है ना ज़्यादा क्रॉस करना नहीं था। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ तक आने के लिए स्विमिंग अगर आपको अच्छे से आती हो, कोई वेट करने वाला हो तो वहाँ पर रुक के कोई बंदा यहाँ से जाए तो 100 मीटर स्विमिंग करके आ सकता है जल्दी से। बट ठीक है, हम लोग देखो प्राइवेट वाला पहले हम गए थे तो वहाँ पर भाई 200 रुपये मांग रहा था, दैट हम उसको कैंसिल कर दिए। 2 किलोमीटर हम पैदल गए, उसके बाद ये बोट का हमें 40 रुपये पे करना पड़ा, 2 लोग का, 1 लोग का 20 रुपये, मीन्स 10 रुपये आने का 10 रुपये जाने का। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा अमाउंट नहीं है भाई, उतना हम प्रीफर नहीं कर सकते, अगर ट्रैवलिंग में भी 10-20 तो हम प्रीफर कर ही सकते भाई। आगे ऊपर फाइनली, और ये एक मंदिर है हनुमान जी का, और ऊपर देखते हैं और किसका मंदिर मिलता है भाई। तो ये भाई एंट्री कर रहे हैं हम मेन गेट से, जो मंदिर है ऊपर से भाई आ गए दर्शन वगैरह करके जैसे देख रहे हो। और ये आइलैंड का थोड़ा सा एक चक्कर मार लेते हैं, प्लान तो यही बना है कि एक बार एक चक्कर मार लेते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये साइड में ही है और इस रूट से एक चक्कर मार लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली अगर आपको आना हो तो मैंने रूट सब बता दिया है कि भैया कैसे आओगे कैसे नहीं आओगे क्या सीन है, और मास्क वगैरह जो है ये कंपलसरी करके रखे हैं। अभी देखो यहाँ पर कोई नहीं है, दैट्स व्हाई मास्क निकालते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं अकेले हूँ। जब बांस वगैरह के पेड़ दिख रहे, अगर आप जनरली गाँव वगैरह से हो तो आप ये सारे पेड़ को तो भाई अच्छे तरीके से आप पहचान रहे होंगे, क्योंकि ये सब गाँव में अक्सर है। अभी ये लिखा है भाई आसामी भाषा में, ये कौन सी भाषा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप बताना भाई लिखा गया है, कमेंट कर देना प्लीज़। मेरा एक्चुअली प्लान था ना भाई कि मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मुझे कोई छोटी नाव मिल जाए ना, जैसे कि आपको पता है ना गांव वगैरह पे छोटी बोट चलती है, तो मैं सोचा था कि भाई छोटी अगर बोट भी मिल जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, एकदम फुल एडवेंचर जैसा हो जाएगा। और इधर से अभी हम लोग को बाहर जाना है, एग्जिट करना है, और देखते हैं कि भाई हम जिस बोट से आए हैं वो फेरी आ गई है या फिर नहीं। और फिर यहाँ से हमारा प्लान मैंने आपको बताया ही, और सिटी पूरा इस साइड में है। लगता है कि भाई हमने चक्कर पूरा मार लिया धीरे धीरे इस आइलैंड का चारों तरफ से जैसे बना था, और अब हम अपने चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब कि जहाँ से हमें फिर से बोट पकड़ के वापस हमें जाना है सिटी की तरफ। वहाँ पे देखो ये पोर्शन जो है ना शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें यहाँ पे जाना है तो उधर चलते हैं आगे भाई, ऊपर चढ़ के आगे। पूरा एक राउंड हो गया ये आइलैंड का, बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, छोटा ही है, आई थिंक 100 to 200 meters के रेंज में ये पूरा होगा, इतना ही लगता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से फिर हम नीचे एक साइड से देखो वहाँ से बोट ले लेंगे,
जिस फेरी में आया था वो फेरी शायद अभी है नहीं, तो जाके मैं थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था, 12:30 बजे वहाँ से चले, 1:30 बजे का 1 घंटे का पूरा था कि 1 घंटे बाद यहाँ से आ गया, हो सकता है दूसरी फेरी आए तो हम उसमें जाएंगे, जो भी होता है आपको बताता हूँ भाई। अभी भाई हम आ गए वहाँ से, उमानंदा जो है आइलैंड जो है जो नदी के बीच में है, आ गए यहाँ पे, उतर गए। काफ़ी मतलब टाइम इसके लिए लग गया, अभी हम लोग सुबह को निकले और हमने पर्टिकुलर एक ही प्लेस को जो है बस कवर कर पाए यहाँ पर गुवाहाटी में अभी, और अभी 3 से ऊपर हो गया, 3:30 के आसपास हो गया और एक ही जगह हमने एक्सप्लोर करी है। लेट्स सी भाई, अभी हमारा कामाख्या मंदिर जाने का प्लान बन रहा है, बट देखते हैं 5 बजे तक तो इधर अंधेरा भी होने लगता है भाई, 5:30 होते होते अंधेरा होने लगता है, देखते हैं क्या प्लान होता है। यहाँ से बस लेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट का हमें हेल्प लेना पड़ेगा आगे जाने के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप जो है इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अभी देखते हैं यहाँ गुवाहाटी के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो होगा, इससे बाहर का देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साइड हम तावांग में जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, और तावांग के बाद मतलब तावांग तक जाने में भाई काफ़ी टाइम लगेगा, और लेट्स सी भाई कल निकलना है गुवाहाटी से हमें। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।